नेक्स्ट हट गया था क्या? इस वक्त शाम को 3 बजे हैं। मैं हूं शाहिद मुंबई से, आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। ये है जल महल के बाहर का एरिया। यूँ समझ लो कि मुंबई की मरीन ड्राइव जैसा है। लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी झील है, उस झील के बीचों बीच में एक महल है जिसे जल महल कहा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है। और अब मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए, लेकिन डायरेक्ट मुंबई नहीं जाऊँगा, रात को कहीं रुकूँगा, रात को सो जाऊँगा 8-9 बजे या जब तक दिल किया गाड़ी चलाने का। और मुझे उम्मीद है कि उदयपुर पहुँच जाऊँगा आज, और उदयपुर में किसी होटल में रुकूँगा। शास्त्री नगर जाने के लिए राइट मारना पड़ेगा और सिटी पैलेस सीधा है। रामगढ़ और आगरा के लिए बाईं तरफ रोड चली गई है, उधर भी मुझे नहीं जाना है। ये रोड तो जानी पहचानी है, हवा महल तक मुझे इसी रोड पे चलना है, उसके बाद फिर मैं रास्ता बदल दूँगा। और जिस रास्ते से मैं जयपुर आया था उस रास्ते पे नहीं जाना मुझे, क्योंकि मुझे अपोजिट साइड जाना है, यानी अजमेर वाली रोड पकड़ूँगा, उदयपुर वाली। गेट कितने खूबसूरत हैं, बड़े अच्छे अच्छे गेट हैं यहाँ पे, इमारतें भी बड़ी खूबसूरत हैं। एंटी कलर के लिए फेमस है ये शहर जयपुर, बहुत अच्छा लगा। काश के मैं 3 दिन रुकता यहाँ। दोपहर का टाइम है, थोड़ा सुकून है, अच्छा हुआ आगे चल गया। अच्छा नहीं है और मार्केट आएगा, आए ये बहुत सही शहाना बन रहा था, फंस गया। वो अदनान से चिढ़ा हुआ है गाड़ी अदनान के हाथ में है और पीछे एक प्राइवेट बस वाला हारन पे हारन बजाए जा रहा है। पता नहीं अदनान से क्या खता हो गई है, अब उसको बाइक वाले नहीं निकलने देंगे। यहाँ से हवा महल पहुंच चुका हूं, दाएं तरफ हवा महल है। हाँ कैमरा भी है, हवा महल है। हाँ 3 दिन अगर रहेंगे, कौन सा रूट पकड़ना है? अगर यहाँ 3 दिन का टूर हो ना तो फिर सब पूरा घूम लेंगे। अरे भाई सीधे वाले को जाने दिया जाता है या तुम राइट वाले को? ऐसा है क्या? हमें मिलेगा जौहरी का आजाद है ये तो रॉयल फैमिली के जो महल वगैरह हैं वो उन्हीं को मिलता है। हाँ। ये किला वगैरह जो है ये महल इन्हीं के हैं, इन्हीं के हैं, इन्होंने बेच डाला। अच्छा बेच डाला है। हाँ, पैसा कहीं से तो आना चाहिए, कुछ करते हैं नहीं तो प्राइवेट कंपनियों ने खरीदा इसलिए वो चार्जेस ज्यादा ले रहे हैं। हाँ। तो ये उसी का मायका था जो दो भाई का। हाँ। ये हाँ। राइट में आना है क्या? निकालो 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 दौड़ो। हाँ हाँ देखो
बात बताता है, अगर चेकिंग नाकाबंदी लगी है तब भी ये कहेगा पुलिस है, स्कैन हो जाता है। कौन सी रोड पकड़ना है, ये या ये? मुंबई का वेस्टर्न हाईवे है, नेशनल हाईवे 48, ये वही है नेशनल हाईवे 48। और शॉर्ट करके आगे आया हूँ, लेकिन सिटी ख़त्म होती ही नहीं है, इतनी बड़ी सिटी है जयपुर। अब हाईवे मिला है 48, लेकिन यहाँ भी ट्रैफिक है, आगे फंसने वाला हूँ ट्रैफिक में। बहरहाल सिटी से तो निकल आया हूँ, हालांकि सिटी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन सिटी का बैरूनी हिस्सा है ये। सिटी अभी भी है, काफ़ी दूर तक सिटी है, हाईवे में भी सिटी है, लेकिन सिटी से हाईवे पहुँच चुका हूँ। नेशनल हाईवे में भी ट्रैफिक है। सिटी से बाहर निकल कर हाईवे पकड़ चुका हूँ, नेशनल हाईवे 48। शाम को 3:50 हुए हैं। जयपुर का बाईपास पीछे छूट चुका है और जयपुर जोधपुर हाईवे पे चल रहा हूँ मैं इस वक्त। जयपुर से मैंने 3 अपना सफ़र शुरू किया था मुंबई के लिए। इस वक्त 3:50 यानी 4:10 बाकी है और जयपुर में मैंने थोड़ी बहुत जगह घूमी हैं, जिनमें से सबसे पहले सिटी पैलेस था। सिटी पैलेस को मैंने विज़िट किया अच्छी तरह और सिटी महल के बाहर हवा महल था। हवा महल के अंदर मैं गया नहीं, बाहर से सिर्फ देखा था बस। हवा महल बहुत बिज़ी एरिया है, हालांकि मैं सिटी पैलेस पे गाड़ी को पार्क करके जा सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम कम था और मुझे ऐसा नहीं लगा कि अंदर जाके घूमना चाहिए, हवा महल के अंदर जाकर घूमना चाहिए, ऐसा मुझे लगा नहीं, इसलिए मैं नहीं गया। उसके बाद फिर मैं आमेर फोर्ट गया था। आमेर फोर्ट में 1.5-2 रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला, जयगढ़ फोर्ट गया, वहाँ पे 1 बिताया, 1 या 1.5। उसके बाद जल महल गया, वहाँ पे 10-15 मैंने बिताया। हालाँकि जल महल में शाम को अच्छा लगता है, दुकानें वगैरह इस वक्त बंद थी। शाम को 6 के बाद वो एरिया शुरू होता है और देखने लायक तो शाम को ही होता है, लेकिन मुझे मुंबई के लिए निकलना था। अगर मुझे पूरा जयपुर घूमना होता तो फिर मैं यहाँ पे 3 रुकता और 3 रुकने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह विज़िट कर पाता। और वाकई में 3 रुकने लायक जगह है, घूमने की बहुत अच्छी जगह है ये। सामने है जयपुर टोल प्लाजा, चार्जेस हैं 80 रुपये। जयपुर से मुंबई जाने में ये पहला टोल प्लाजा मिला है मुझे। सिटी ख़त्म नहीं हुई अभी, अच्छा,
छोटा सा ढाबा जिसमें कुछ पकौड़े वगैरह मिल सके। अभी तो टर्न आएगा 5 किलोमीटर में, वो हो जाए तो फिर देखते हैं। छोटा है या बड़ा है? बड़ा, या एकदम छोटा या एकदम बड़ा। सब लोगों को भूख लगी हुई है बहुत ज़ोरों की, हालांकि अच्छी तरह खिलाया पिलाया हूँ लेकिन खाना नहीं खाया ना। अब खाना नहीं मिला है तो भूख तो लगने वाली है। मेरी बात अलग है, मुझे तो भूख लगती नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कुछ भी खा लूँ तो भूख नहीं लगती, फिर मेरा चल जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को भूख लगी हुई है इसलिए कहीं पर रोक कर इन लोगों को खाना खिलाता हूँ। हालांकि 4:50 हुए हैं यानी 5 बजने वाला है, यह कोई खाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन भूख लगी है तो क्या करेंगे, इन लोगों को तो खाना खिलाना पड़ेगा कैसे भी करके। सर ढूंढने में मतलब नहीं है, साइड में जो रोड पे लिखा है वही। मरने के बाद नजर रखना, आगे भी निकल जाए तो थोड़ा टर्न मार के आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले पेट्रोल भरवाना है क्योंकि पीली लाइट जल चुकी है और पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो पेट्रोल पंप की तलाश है, हालांकि इतना पेट्रोल है कि अभी 50-60 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन पीली लाइट तो 70 किलोमीटर के स्टॉक में जल जाती है और इतना रिजर्व होना चाहिए कि पेट्रोल पंप तलाश कर सकूं। और पेट्रोल पंप मिल गया और इस वक्त 4:55 हुए हैं। 5 पेट्रोल के भाव के मामले में तो ये एमपी का भी बाप निकला। एमपी में सबसे ज़्यादा महंगा मैं बोलता था पेट्रोल 110 रुपये में, लेकिन ये उसका भी बाप है। यहाँ पर 115 रुपये लीटर है पेट्रोल, जबकि यूपी में 94 में है और मुंबई में 106 रुपये में। एमपी में 110 में है और यहाँ 115 में। ये है किशनगढ़ टोल प्लाज़ा, इसके चार्जेस हैं 50 रुपये। किशनगढ़ मुझे लगता है कि ज़िला जयपुर में ही आता है, या जयपुर ख़त्म हो गया हो मुझे पता नहीं चल सका। लेकिन यहीं पे आगे एक बर्गर किंग है, इन लोगों को वहीं पे गाड़ी रोक कर खिलाता हूँ। दानिश और अदनान को बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, केएफसी, डोमेन पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। मुझे नहीं जमता लेकिन चल जाता है, लाइक तो नहीं करता हूँ लेकिन खा लेता हूँ इन लोगों के साथ में। बर्गर किंग आ चुका है, अब यहाँ पर आधा एक घंटा रुकूँगा। पाँच बज के 15 मिनट पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और 5:50 पर निकल रहा हूँ। 35 मिनट का स्टॉप लिया था और बर्गर खा के यहाँ से निकल रहा हूँ। सफ़र जारी है जयपुर से मुंबई। ये किशनगढ़ है, हमारे एक व्यूअर का कहना है कि किशनगढ़ अजमेर के अंदर है और ये अजमेर है, लेकिन जयपुर से काफ़ी दूर आ चुका हूँ और यहाँ पर रुक कर मैंने नाश्ता किया है। खाना तो नहीं कहेंगे, हाँ किंग बर्गर में रुक कर बर्गर खाया है हम लोगों ने। किशनगढ़ की मेन आबादी 7 किलोमीटर आगे है, ये भी किशनगढ़ है लेकिन मेन आबादी 7 किलोमीटर के बाद मिलेगी, वो भी आगे। नसीराबाद के लिए बाएं मुड़ना पड़ेगा और बाएं मुड़ने के बाद 37 किलोमीटर के बाद मिलेगा नसीराबाद, और सीधा अगर चलते रहें तो 33 किलोमीटर के बाद अजमेर पहुंच जाऊंगा। और अहमदाबाद यहां से 566 किलोमीटर है,
उदयपुर, अहमदाबाद और मुंबई के लिए सीधी रोड चली गई है NH 48। सौ के ऊपर गाड़ी चल रही है लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इससे कोई दहशत नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो देखता हूँ इतनी स्पीड में तब मुझे डर लगता है। टिकावड़ा के लिए बाएं तरफ से लिपटाने हैं। मुंबई यहाँ से 1037 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद 549 किलोमीटर दूर है यहाँ से। शाम को 6:05 हो चुके हैं और अब शाम अच्छी तरह हो चुकी है और रात पीछे से चली आ रही है। सनसेट होने में काफ़ी टाइम है लेकिन दिन और रात का मिक्सिंग है, इसलिए थोड़ी रोशनी कम होती जा रही है, धीरे 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 कम से कम तर होती चली जा रही है। देखेंगे कि अंधेरा बिल्कुल होने को है और दिन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है यही किशनगढ़ है। अजमेर और नसीराबाद जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे, यानी लेफ्ट साइड में से लिप्टन है, उसके बाद एक और ब्रिज मिलेगा, उसके नीचे से राइट टर्न मारेंगे तो वो रास्ता चली जाती है सीधा अजमेर और नसीराबाद दोनों के लिए। फिर आगे से बढ़ जाती है, अजमेर अलग रोड पे चला जाता है और नसीराबाद की रोड अलग चली जाती है। यहाँ से राइट मारना पड़ता, लेकिन मुझे तो जाना नहीं है, मैं क्यों मारूं राइट। नसीराबाद जाने के लिए अभी भी एक ऑप्शन बचा है, लेफ्ट साइड से बाहर निकल कर कोई टर्न मारना पड़ेगा शायद, और कोटा के लिए भी लेफ्ट साइड से बाहर निकलेंगे। ये है खेड़ी टोल प्लाज़ा, चार्जेस हैं 140 रुपये, 140 रुपीस। खेड़ी टोल प्लाज़ा इस सफ़र का तीसरा टोल प्लाज़ा। शाम को 6:35 हो चुके हैं, रात धीरे धीरे चली आ रही है, अभी सनसेट नहीं हुआ है, अभी टाइम है सनसेट में। मुझे लगता है कि सनसेट हो चुका है या फिर सनसेट होने वाला है, बिल्कुल करीब का मामला है। और अब चाय पीने के लिए कहीं पे रुकना है क्योंकि शाम की चाय अभी बाकी है। सफ़र की शाम बड़ी उदास होती है, सफ़र की शाम बहुत खूबसूरत होती है। Thank you.
चाय मिलेगी ना? मिल जाएगी। तुम्हारी अम्मी को चाय पिलाना बहुत जरूरी है। यह है गुलाबपुर और गुलाबपुर में मैंने स्टे लिया है थोड़ी देर के लिए। ये टी टाइम है, शाम की चाय बहुत ज़रूरी है। 7 बजे हैं, अभी अभी सनसेट हुआ है, दिखाता हूँ। ये देखो ये एरिया कौन सा है, कैसे पता करें? हुर्दा के करीब है। हाँ, हुर्दा के करीब। हुर्दा, गुर्दा के करीब है। हुर्दा आगे होएगा या पीछे होएगा? हाईवे है। उदयपुर कितने दूर है अभी? वही 10:30-11 मान लो। 10 बजे तक चलाऊंगा गाड़ी। ये क्या है? केक। अभी खरीदी होगी? 3:30 घंटा है। जहाँ से खाना लाके दिया था हम लोग को रूम पे, सुबह तो बंद था वो। हम सोचे कि चाय बनवा के पियेंगे। उसके बाजू में बाकड़ा चालू था, उससे बनवाया चाय। वो दोपहर को खाना बना रहा था, दोपहर का खाने का इंतजाम कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि नाश्ता मिलेगा, बोलता नहीं मिलेगा। वो दोपहर का इंतजाम कर रहा था। चलो भाई निकलता हूँ अब यहाँ से। 7:20 हुए हैं, 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। 20 मिनट का स्टॉप लिया। गर्मियों का मौसम है इसलिए 7:20 पर भी दिन नज़र आ रहा है। हालांकि रात हो चुकी है और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है और थोड़ी देर में फुल अंधेरा हो जाएगा, यानी 8 बजे तक आसमान भी नज़र नहीं आएगा। फिर अहमदाबाद यहाँ से 491 किलोमीटर है, 491 किलोमीटर। मुंबई 995 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 48 है,
ये वही नेशनल हाईवे 48 है जो कि सीधा मुंबई के लिए चला गया है, और ये मेरा बहिंदर पे निकलता है। मेरा बहिंदर से शायद फिर वो नेशनल पार्क वाली जो वैली है, वादी, उधर चला जाता है शायद, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये फिर मेरा बहिंदर से निकलता है वाशी की तरफ, लोनावाला, और पुणे तक जाता है, नेशनल हाईवे 48, ये वही है। ये बहुत पुराना हाईवे है, इसका पुराना नाम होएगा कोई, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये है लांबिया कला टोल प्लाजा, लांबिया कला टोल प्लाजा। चार्जेस हैं 95 रुपये, 95 रुपीस। इस सफर का चौथा टोल प्लाजा। गूगल पगला गया है, नेशनल हाईवे 48 सीधा चला गया है मुंबई को, लेकिन वो मुझे लेफ्ट टर्न मारने के लिए बोल रहा है आगे से, और मैं चेंज कर रहा हूँ लेकिन वो वापस पकड़ लेता है वही रोड, अहमदाबाद वाली रोड, अहमदाबाद होकर ले जाना चाहता है। हालांकि दोनों को किलोमीटर सेम है, टाइमिंग भी सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है किलोमीटर में। तो गूगल को ऐसा लगता है कि किलोमीटर अगर बचा लूँ 2-4 किलोमीटर तो वो उधर ही ले जाना चाहता है जहाँ से 2-4 किलोमीटर बच जाएं। रोड तो ये अच्छी है, मुझे अब तक रोड में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, तो मैं ये हाईवे क्यों छोड़ूं जबकि ये हाईवे सीधा भी है। अच्छा, ये ब्रिज पकड़ना है क्या? कहाँ जाओगे? ये उधर चला गया है, यहाँ घुमा रहे हैं, ये तो अहमदाबाद जाती है। अच्छा, एक रोड ये चली गई, एक वो चली गई, तो वो उधर से क्यों ले जा रहा है? फालतू में अहमदाबाद ले जा रहा था। नहीं नहीं, वो मैंने चेंज कर दिया। हाँ, 450 पे नीचे उतरो, लेफ्ट साइड से बाहर निकलो। क्या मालूम, मेरा 160। अरे हाँ, वो वहीं ले जा रहा है, मान नहीं रहा है। मेरा 160 किलोमीटर सीधा बता रहा है। चलो ठीक है, खुद ही चेंज कर देगा। हाईवे में बोर्ड भी लगा है 190 सीधा, 890। तो गूगल पगला गया है, ले लिया। असल में गूगल पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं कर चुका हूँ आँख बंद करके भरोसा। आँख बंद करके तो नहीं किया था, लेकिन अब वो पीछे अगर कोई पड़ जाए तो फिर उसकी बात मानना पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि इंदौर से मैं निकला मुंबई के लिए रात को, आगे अब मैं जा रहा हूँ सीधा मुंबई की रोड, बार बार बोल रहा है कि यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। सेम चीज़ पड़ती है, लेकिन जब ये हाईवे है, जबकि मुझे कंफर्म है कि मैं सीधा मुंबई के लिए जा रहा हूँ, बोलता नहीं, यू टर्न मारो। मैंने सोचा शायद कुछ गड़बड़ी है मैप में, मैंने मोबाइल रीबूट किया, रीस्टार्ट किया, फिर से मैप लगाया, फिर बोलता है यू टर्न मारो, जितना भी मैं आगे जा रहा हूँ यू टर्न मारने को बोल रहा है। अब जब हाथ धो के कोई पीछे पड़ जाए तो फिर तो दिमाग ख़राब होता है ना, कि ऐसा तो नहीं कि मेरे से ही गलती हो रही है। मैंने यू टर्न मार दिया, अब वो मुझे इंदौर ले गया सिटी, तो अच्छी रोड है, वहाँ पे एक 1.5 घंटा घुमाया, उसके बाद फिर उसी रोड पे ले आया। उन दिनों में, जिस दिन की बात बता रहा हूँ, उन दिनों में गूगल में प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ भी देखो गूगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छी भली रोड हम क्यों छोड़ें। टोल प्लाजा आ गया है, जोजोदो का खेड़ा टोल प्लाजा, जोजोदो का खेड़ा टोल प्लाजा।
चार्जेस हैं 100 रुपये। और इस सफ़र का ये है पांचवा टोल प्लाजा। सामने कोई सिटी है, काफ़ी घनी आबादी है। ये तो भिलवाड़ा है। भिलवाड़ा पहुंच चुका हूँ। कार वाले हैं ये। और टाइम हुआ है 8:35। यानी तीसरे लाइन में चलना खतरनाक है। इसमें कुछ पहनाना तो नहीं है। ये क्या है? उदयपुर सीधा है, कनौली और आटून बाई तरफ से बाहर निकल जाए, आगे पता चल जाएगा किधर मोड़ना है। 10 बजे तक गाड़ी चलाऊंगा। 8:35 हुए हैं, अभी 1.5 घंटा गाड़ी और चलाना है, उसके बाद कोई अच्छा सा होटल देखकर रात को रुक जाऊंगा, फिर सुबह निकलूंगा और सफ़र जारी करूंगा कंटिन्यू। बाई तरफ संदेरिया गांव है, आगे एक ब्रिज है। अगर संदेरिया जाना हो तो उस ब्रिज को छोड़कर बाईं तरफ से स्लिप टर्न मारना होगा, और वो ब्रिज है ये। क्योंकि मुझे तो जाना नहीं है इसलिए तो मैं ब्रिज में चढ़ गया। बदाड़ा आ गया है, गांव का नाम है बदाड़ा, लेफ्ट साइड में है और रोड पर भी इसकी आबादी है। चित्तौड़गढ़ जाने के लिए एक रोड बाईं तरफ चली गई है, यानी इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा। इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकलना होगा, लेकिन मुझे चित्तौड़गढ़ नहीं जाना है। 111 किलोमीटर बचा है उदयपुर। ये वक्त हुआ है सीट का तबादले का। अभी तक अदनान गाड़ी चला रहे थे, अब मैं चलाऊंगा सीट का तबादला। रात को 9:05 हुए हैं इस वक्त। सामने एक टोल प्लाजा नजर आ रहा है, और ये टोल प्लाजा है नारायणपुरा में, नारायणपुरा टोल प्लाजा। इसके चार्जेस हैं 140 रुपये। और इस सफ़र का, जयपुर से मुंबई के सफ़र का, ये 6वां टोल प्लाजा है। रात को 10 बज चुके हैं और उदयपुर आने वाला है। उदयपुर सिटी में एक बाईपास है, उससे पहले मुझे रुकना है, एक होटल तलाश किया हूँ, बिल्कुल बाईपास से करीब है, बताता हूँ। सिटी शुरू हो चुकी है, मेन सिटी के अंदर तो बाईपास है, लेकिन सिटी काफ़ी दूर तक है, और ये है घाटी एरिया। और इस वक्त मैं चल रहा हूँ उदयपुर की घाटी एरिया में, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। उदयपुर पहुंच चुका हूं, लेकिन बाईपास आगे है, सिटी के अंदर है बाईपास, और घाटी एरिया भी पार कर चुका हूँ। लेफ्ट साइड में होटल नज़र आ रहा है, और ये रहा होटल। ये है होटल हिल व्यू, यानी पहाड़ों के नज़ारे वाला होटल। इसके बोर्ड में होटल हिल व्यू लिखा हुआ है,
लेकिन गूगल कह रहा है कि ये ओयो हिल व्यू होटल है। अगर गूगल सही है तो ओयो होटल इतना बदनाम हो चुका है कि इसने नाम छुपाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ कुछ। बहरहाल इस होटल में कभी मत आना, सर्विस बहुत ही घटिया और होटल भी घटिया। ये उदयपुर से 5 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ से उदयपुर 5 किलोमीटर है। अभी बाईपास मिलेगा, उसके बाद उदयपुर सिटी है। होटल से मैं निकला हूँ सुबह के 6:50, यानी 7:10 बाकी है। आगे एक ब्रिज आएगा, बाईपास का ब्रिज, वहाँ से राइट अगर मारेंगे तो माउंट आबू 183 किलोमीटर है। इस सिटी का हाईवे यहीं सामने है, लेफ्ट टर्न मारेंगे तो मुझे सिटी का बाईपास मिल जाएगा। लेकिन गूगल कह रहा है कि सीधा चलो सिटी होते हुए, लेकिन मैंने बाईपास पकड़ लिया क्योंकि दोनों का टाइम सेम था। इसलिए मैं सोचा कहाँ सिटी के अंदर जाऊँगा, फंस जाऊँगा। वैसे सुबह के टाइम में फंसने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार ये बाईपास पकड़ता हूँ। हालांकि अंदाज़ा हो गया था कि बाईपास ख़राब है, लेकिन इतना ख़राब होगा इसका अंदाज़ा नहीं था मुझे। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है इस बाईपास की। अहमदाबाद यहाँ से 265 किलोमीटर है। इसी रोड पे आगे शायद रास्ता बदलना पड़े, यानी अगर अहमदाबाद जाना है तो 48 तो छोड़ना पड़ेगा, और मैं इस वक्त 48 पे चल रहा हूँ। डूगरपुर यहाँ से 108 किलोमीटर है, इसी रोड पे आगे मिलेगा 108 किलोमीटर के बाद। बलीचा बिल्कुल करीब है, यहाँ से मुश्किल से 11 या 12 किलोमीटर है बलीचा। रात को 10:10 पर मैं होटल पहुँचा था। रूम उसने दिखाया, कुछ ख़ास नहीं थे। जब मैंने उससे प्राइस पूछा तो 1300 बताया उसने। मैंने कहा 1000 रुपये में दोगे, तो तैयार हो गया वो, मैंने ले लिया। ये छोटे मोटे होटल वाले GST बिल नहीं बनाते और ना ही GST लेते हैं, लेकिन पैसा उसी वक्त ले लेंगे जिस वक्त आप ID दोगे। रेस्टोरेंट नहीं है होटल में, रेस्टोरेंट नहीं है। मैं होटल की तलाश में नीचे उतरा, बाहर एक बाकड़ा लगा हुआ था, उससे मैंने कहा होटल कितनी दूर है, क्योंकि होटल वाले ने कहा था कि सामने रेस्टोरेंट है। मैं नीचे उतर के जब बाकड़े वाले से पूछा कि सामने कोई रेस्टोरेंट है, तो बोलता नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि स्विगी या ज़ोमैटो से ऑर्डर कर तो खाना आ जाएगा। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने स्विगी से ऑर्डर किया। लिमिटेड कुछ चीज़ें मिल रही थी, मैंने मंगाया। खाना खा के फारिग होने के थोड़ी देर के बाद जब आराम करने लगा मैं, लेकिन मैं AC के नीचे लेटा हुआ था और लीटर के भाव में पानी गिरने लगा। गद्दा कम्बल सब गीला, फटाक से मैंने AC बंद किया, लेकिन पानी गिरता रहा। तो मैं गया नीचे ऑफिस में, लड़का लेटा हुआ था, मैंने कहा पानी गिर रहा है AC से। मेरा इतना बोलने के बाद भी वो चुपचाप इसी तरह लेटा हुआ है और कोई जवाब नहीं दे रहा। मैंने 1 मिनट तक इंतज़ार किया, मैंने कहा भाई पानी गिर रहा है, कुछ करोगे, रूम बदलो। बोलता रूम तो नहीं बदलूँगा। इसके ये अल्फाज सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने कहा तुमने क्या समझा हुआ है कि बूंद दो बूंद चार बूंद पानी टपकाए क्या? अबे लीटर के भाव में पानी गिरा है, चल के देख, पूरा गद्दा कम्बल सब गीला हो चुका है।
जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो फटाक से उठ के बैठ गया। अभी आता हूँ, तुम चलो। ये भी टालने वाली बात थी कि तुम चलो आता हूँ। क्या कोई काम में बिजी था क्या? सोफा पे लेटा हुआ था वो, उसके पास काम क्या था जो मुझे ऐसा बोल दिया कि तुम चलो मैं आता हूँ। फिर भी शराफत के हिसाब से मैं ऊपर चला गया। एक मिनट के बाद फिर मैं पहुँच गया उसके पास। बोलता है आदमी भेजो नहीं पहुँचा क्या? अबे मैंने कहा जल्दी रूम शिफ्ट करके दे, मुझे सोना भी है, सुबह निकलना 6 बजे। बहरहाल उसने आधा घंटा लगा दिया शिफ्ट करने में। सारे रूम खाली पड़े थे उसके। उसको ये लफ्ज़ अदा करने की ज़रूरत नहीं थी कि रूम चेंज नहीं करूँगा। अगर वो रूम शराफत से चेंज कर देता बिना कुछ बोले फ्रेंडली, तो मुझे भी अच्छा लगता और उसका कुछ नुकसान नहीं होना था, क्योंकि खाली तो पड़े हैं रूम। लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना कि ये ओयो है, इसलिए मैं रुक गया। वैसे मैंने पूछा भी नहीं था, और जगहों पे पूछ भी लेता हूँ। अभी पिछले बार जब मैं गया था तो पूछ लिया था, ओयो होटल तो नहीं है ये? ये है वो जगह जहाँ से यू टर्न मार के सिटी के अंदर जा सकते हैं, या मैं अगर सीधा गया होता उदयपुर सिटी होते हुए तो यहीं पर आके मैं निकलता और मुझे यही रोड मिलती और यहाँ तक बाईपास ख़त्म हो जाता है। जहाँ से मैं लेफ्ट टर्न मार के ब्रिज के पास से बाईपास पकड़ा था, वहाँ से यहाँ तक बाईपास ख़त्म हो जाता है। 7:22 हुए हैं, सुबह के 7:25 हुए हैं, और यह है उदयपुर का एरिया। उदयपुर सिटी पीछे छूट चुकी है, बाईपास भी पीछे छूट चुका है, लेकिन ये ज़िला उदयपुर है। बहुत ही खूबसूरत रोड और शानदार, वादी भी बहुत ही खूबसूरत हैं। सीट बेल्ट लगा कर चलें, बोर्ड लगा हुआ है। ये पूरा रोड अच्छा है, नेशनल हाईवे 48 जहाँ से पकड़ा हूँ वहाँ से अभी तक कहीं पे मुझे जंपिंग नहीं दिखी, जैसा कि इंदौर झांसी हाईवे में जंपिंग है। जब भी पुलिया आती है तो वो गाड़ी जंप कर जाती है, या तो 40 के नीचे स्पीड लाना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, पूरी रोड एक लेवल पे है। Standing still as I let go of your cold hand, eyes are wet, the lips are dry, and all the things we. चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये एरिया या ये रोड, जिसकी वजह से खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है इस हाईवे की यहाँ पे। We're never what you wanted, we've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh. 12 पाल जाने वालों को यहाँ से इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा, और अहमदाबाद या मुंबई जाने वालों को सीधा रास्ता है। यहाँ भी पार्टियाँ बाईं तरफ है, यानी इस हाईवे को छोड़कर
बाईं तरफ से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा पाटिया जाने के लिए, भागला घाट और बारा जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा। Really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kind of lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I'm sorry, coming yet again. बरसात और सलुम्बर जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा और अहमदाबाद और मुंबई सीधा है। But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. ऋषभ देव जाने वालों को इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा। कानूवाड़ा और भावुआ जाने वालों को इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा। अहमदाबाद और मुंबई तो सीधा है, लेकिन नेशनल हाईवे 48 आगे से लेफ्ट टर्न मार जाता है और अहमदाबाद के लिए राइट वाली रोड चली जाती है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर राजस्थान का एक आखिरी टोल प्लाज़ा आ गया है और वो ये है, नियाती बकवास सर्विस इस टोल प्लाज़ा की। दाएं साइड में एक वाइड गाड़ी है, उसको छोड़कर मैं लेफ्ट साइड में घुस आया हूँ। ये भी जम लगा है, इसका स्कैनर भी काम नहीं कर रहा है। और वो वाइट वाली जो गाड़ी हमारे आगे थी दाएं साइड में, उसका भी स्कैनर काम नहीं कर रहा है, वो भी पीछे आने वाली है। किसी भी लाइन का स्कैनर काम नहीं कर रहा, ये ट्रक भी पीछे आ रहा है। और वो वाइट गाड़ी जो हमारे आगे थी वो भी वापस आ रही है पीछे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। राइट वाली फर्स्ट लाइन चालू है, बाकी सब बंद है, वहीं जा रहा हूं। ये है खंडी ओबरी टोल प्लाजा, खंडी ओबरी टोल प्लाजा। इसके चार्जेस हैं ₹175, ₹175, बहुत महंगा है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है, ₹114 या ₹115, लेकिन रोड अच्छी है। इस सफ़र का ये है सातवां टोल प्लाज़ा। रोड बहुत अच्छी है, लेकिन टोल प्लाज़ा की सर्विस अच्छी नहीं है, नहायत ही घटिया और निकम्मे लोग हैं इस टोल प्लाज़ा में जो लोग बैठे हुए हैं या जो टोल प्लाज़ा को चला रहे हैं। घटिया मशीन लगा के रखा है इन लोगों ने। यह है पदबीला गांव की आबादी, काफ़ी बड़ा गांव है, कस्बा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन गांव बाएं साइड में बसा हुआ है और इसकी झलक रोड पर भी नज़र आ रही है। और इस वक्त मैं राजस्थान की हदूद पे चल रहा हूँ
आगे गुजरात की सरहद आने वाली है। बोखला यहाँ से भी जा सकते हैं और यही रोड कनवई जाने के लिए भी होगी। इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा। रीको और बिछीवाड़ा जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा। Standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, the lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew and just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry, then I will just crack a smile. Oh. But I can't understand. Though we both felt kind of lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh. अब पहुंच चुका हूं बॉर्डर पे। आगे चेक पोस्ट है और ऐसा लगता है कि दोनों ने एकदम करीब करीब चेक पोस्ट बनाया हुआ है अपनी। ये राजस्थान की है और चंद कदम के बाद गुजरात की चेक पोस्ट है। राजस्थान पीछे छूट चुका है। अब ये है गुजरात की चेक पोस्ट, राइट में भी नज़र आई है आपको और लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हो। अब मैं गुजरात में दाखिल हो चुका हूँ और ये रहा प्रूफ, बोर्ड में गुजराती लिखा हुआ है। सीधा रोड अहमदाबाद के लिए चला जाता है, लेकिन मुझे ब्रिज छोड़कर लेफ्ट साइड से टर्न मारना पड़ेगा क्योंकि NH 48 लेफ्ट साइड में चला जाता है और मुझे उधर ही जाना है। यहाँ से तीन रोड चली जाती हैं। दाईं तरफ अहमदाबाद के लिए है और ब्रिज के नीचे से सीधा कोई दूसरी रोड है, लेकिन वही ब्रिज के नीचे से लेफ्ट टर्न मुझे मारना है नेशनल हाईवे 48 के लिए। तीन रोड हैं यहाँ पे और ये लेफ्ट टर्न मार चुका हूँ। यहाँ से गोधरा 127 किलोमीटर है और वडोदरा 212 किलोमीटर। अब गुजरात में दाखिल हो चुका हूँ तो यहाँ पे टोल बहुत कम लगेगा। स्टेट हाईवे में तो बिल्कुल टोल नहीं लगेगा और नेशनल हाईवे में थोड़ा बहुत टोल लगेगा। 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अब यहाँ पर रुककर नाश्ता करूँगा। ये है खराचा, खराचा अरावली। सुबह का नाश्ता अभी तक नहीं किया हूँ, अब करूँगा। ये है होटल रियल, रियल इसका नाम है और ये खराचा में है। 9:50 हुआ है। 8:55 पे मैं यहाँ पहुँचा था। 1 घंटा से थोड़ा कम रुका हूँ। ब्रह्मपुरी पहुँच चुका हूँ और ब्रह्मपुरी यहाँ पर दाईं साइड में है, लेकिन लालपुर का तीर का निशान बाईं तरफ है, यानी लालपुर बाईं तरफ है। बाईं तरफ एक और गांव है और वो है गणेशपुरा। सामने है जीवनपुर गांव
वैसे तीर का निशान दाईं तरफ है, लेकिन रोड पर इसकी आबादी नजर आ रही है। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पीली लाइट जल चुकी है और पेट्रोल पंप की तलाश है। यहीं पे करीब में आगे कुछ दूर पे एक पेट्रोल पंप नज़र तो आ रहा है। यहाँ पे रुककर पेट्रोल भरवाता हूँ और वो पेट्रोल पंप ये रहा। लेकिन बहुत थका हुआ पेट्रोल पंप है, इनकी मशीन ख़राब हो गई। आगे चलो, क्या कब सही हो, वाली टंकी चालू करना चाहिए, उसमें पेट्रोल है। इसकी एक मशीन ख़राब हो गई है, लेकिन दूसरी वाली मशीन ये चालू नहीं कर रहा है, हालांकि वो सही है, उसी में लगा हुआ है। बहुत जल्दी दूसरा पेट्रोल पंप भी आ गया है, और चूंकि गुजरात में पहुंच चुका हूं इसलिए पेट्रोल सस्ता है। 94 में सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप, बहुत ही फास्ट है सर्विस, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री है। क्योंकि गुजरात में दाखिल हो चुका हूं, तो गुजरात में मुझे अभी तक कोई भी पैड टोल प्लाज़ा अभी तक नहीं मिला। वैसे ये मोडासा टोल प्लाज़ा है, फ्री। मोडासा यहाँ से 3 किलोमीटर है सीधा, और मोडासा का बाईपास बाईं तरफ मुड़ गया है, इसलिए मैं मोडासा सिटी नहीं जाऊँगा बल्कि बाईं तरफ मुड़ जाऊँगा, और बाईं तरफ मुड़कर मैं मोडासा का बाईपास पकड़ूँगा। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के मैं बाईपास पकड़ लिया हूँ, और वड़ोदरा यहाँ से 187 किलोमीटर है, गोधरा 102 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर का बाईपास है। मोडासा शहर अंदर है, मोडासा सिटी यहाँ से दाएं तरफ मुड़ के भी जा सकते हैं, एक रास्ता यहाँ से भी है। मोडासा गोधरा हाईवे बाईं तरफ है 300 मीटर के बाद, क्योंकि 98 किलोमीटर। मोडासा का एग्जिट पॉइंट है, बाईपास ख़त्म, सिटी अभी बाकी है। सामने एक गांव नज़र आ रहा है, जलोदर। तीर का निशान बाईं तरफ है, लेकिन रोड पे आ पाती है जलोदर की। इंग्लिश में जलोदर लिखा हुआ है। सामने एक और गांव है धनसवा, धनसवा दाईं तरफ है। मालपुर सीधा है और गोधरा भी सीधा है। धनसवा की आबादी बहुत बड़ी है, सिटी जैसा लगता है। सामने देखो कितनी बड़ी आबादी है, जबकि गोधरा यहाँ से 80 किलोमीटर है, 1.80। वड़ोदरा 184 किलोमीटर, और वापी फॉर 59 किलोमीटर, 461 किलोमीटर। काफ़ी घनी आबादी है ये, कंफर्म तो नहीं है मुझे कौन सा गांव या कौन सी सिटी है, लेकिन बोर्ड तो लगा हुआ है धनसवा का। सामने एक और टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है, इसको भी गिनती में नहीं लूँगा, क्योंकि जिसके चार्जेस मैंने दिया है सिर्फ उसी को गिनती में लूँगा। ये भी फ्री था भैया, निकल पड़ी, कोई चार्ज नहीं।
नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे है, कोई चार्ज नहीं। वाह क्या बात है। सामने बाबलिया है, तीर का निशान तो दाईं तरफ जा रहा है लेकिन रोड पे बाबलिया नज़र आ रहा है, गांव का नाम है। खूटे लाओ आगे एक गांव है, तीर का निशान बाईं तरफ है, नाम है खूटे लाओ। वीराना मुआडा बाईं तरफ है और इसी के बाद फिर एक और गांव कह लें या सिटी कह लें, काफ़ी बड़ी आबादी है, क्या नाम है इसका, वडा गाम नाम है इसका, इस गांव का नाम है वडा गाम। पावागढ़ यहां से 114 किलोमीटर है, दाहोद 123 किलोमीटर, वडोदरा यहां से 145 किलोमीटर है, खानपुर बाईं तरफ और बालासिनोर दाईं तरफ है, लूनावाड़ा सीधा है, गोधरा 56 किलोमीटर, पावागढ़ 109 किलोमीटर, वडोदरा यहाँ से 140 किलोमीटर है। ये कौन सी सिटी है, खानपुर शायद, रंजीतपुरा दाईं तरफ है। गोधरा के अंदर से क्यों जा रहे हो? बाईपास बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा है, बहुत बड़ा है, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन ये तो मुझे बाईपास से ले जा रहा है। ले जा रहा है। लेकिन गोधरा के अंदर से तो बड़ा करीब है, अंदर से चलेंगे? ऐसे ही ट्रैफिक होगा, बस स्टैंड भी है तो और ज़्यादा हो सकता है। सेम टाइम सामने एक सिटी नज़र आ रही है, लूनावाड़ा, लूनावाड़ा सिटी का नाम है। संतरामपुर जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट टर्न है, 36 किलोमीटर के बाद मिलेगा। वडोदरा 128 किलोमीटर है सीधा। इंदौर भी यहाँ से सीधा चला गया है 300 किलोमीटर, एक कम 300 किलोमीटर। ये लूनावाड़ा है, लूनावाड़ा। हो सकता है कि मेरे से नाम लेने में गलती हो रही हो क्योंकि गुजराती लैंग्वेज नहीं आती है ना मुझे, और यहाँ की जो जगह हैं वो भी गैर मारूफ हैं, यानी मैं मुतारिफ नहीं हूँ उनसे, इसलिए गलत हो सकता है। जो यहाँ के निवासी हैं वो सही लफ्ज़ अदा कर सकते हैं। गोधरा 41 किलोमीटर है सीधा। अहमदाबाद यहाँ से दाईं तरफ चला गया 128 किलोमीटर। बालासिनोर यहाँ से दाईं तरफ 41 किलोमीटर के बाद मिलेगा। ये सिटी काफ़ी बड़ी है, मैं इसे गोधरा समझ रहा था लेकिन ये गोधरा नहीं है। सूरत यहाँ से 247 किलोमीटर है। चोपड़ा पहुँच चुका हूँ, चोपड़ा गांव दाईं तरफ है, भायासर दाईं तरफ है, बालासिनोर भी दाईं तरफ है। 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा। हाँ मैं कानपुर से निकल गया हूँ, गोधरा में हूँ, तो सूरत पहुँचने में मुझे 4 बज जाएगा, 3:30 या 4। लेकिन मेरे पास एड्रेस नहीं है, कोई लोकेशन भेज सकता है तो इसी नंबर पे भिजवा दो। ठीक है। गमन बदियाना टोल प्लाजा, चार्जेस हैं 55 रुपये। गुजरात में मुझे पहला पेड टोल प्लाजा मिला है और इस सफ़र का ये है 8वां टोल प्लाजा जो पेबल है यानी पेड। नौ तीन बारह
12 बजे पहुंचेंगे आप घर? रात को 12 बजे? हाँ चलेगा, लाओ शांति में पहुँचना ही सही है। हाँ और कहिए नहीं। चंगा चंगा खुलता कैसे है? यहाँ से खुला है में। टाइम सेम दिया है। हाँ तो सिटी के अंदर वाला और ज़्यादा लेगा टाइम। नहीं अभी बाईपास से और सिटी में सेम टाइम है। हाँ तो सिटी में सेम थोड़ी होगा कभी भी, मतलब ट्रैफिक के ऊपर नीचे होता ही रहेगा। हाँ लेट हो सकता है, दोपहर का टाइम है शायद। वाकजीपुर बाईं तरफ है और इस वक्त सुबह के 11:25 हुए हैं और ये है दलवाडा बाईं तरफ। थोड़ी सी आबादी रोड पर नज़र आ रही है। काकनपुर दाईं तरफ है, वीजपुर बाईं तरफ और दाईं तरफ ताडवा, गोधरा सीधा है, मिहाली बाईं तरफ, उसके बाद मिठाली बाईं तरफ, खांडिया दाईं तरफ है, उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद एक गांव दाईं तरफ आ गया है और उसका नाम है कालिया वाव। गोधरा पहुंच चुका हूं, गोधरा सिटी यहां से 5 किलोमीटर सीधा है, लेकिन मुझे बाईं तरफ मुड़ना पड़ेगा बाईपास पकड़ने के लिए। गोधरा सिटी जाने के लिए सीधा है, अहमदाबाद जाने के लिए राइट मारना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न मार चुका हूँ और वड़ोदरा यहाँ से 92 किलोमीटर है, इंदौर 263 किलोमीटर है, दाहोद भी सीधा ही है और ये है गोधरा का बाईपास। गोधरा का बाईपास बहुत बड़ा है, दाहोद यहाँ से 69 किलोमीटर है, 69 किलोमीटर। सामने एक गांव है चंचोपा, तीर का निशान बाईं तरफ है लेकिन रोड पर भी इसकी आबादी नजर आ रही है। कोटा बाईं तरफ है लेकिन गोधरा का बाईपास बहुत बड़ा बना दिया है, 16 से 18 किलोमीटर का होगा या 20 किलोमीटर का होगा, एकदम एग्जिट नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन सिटी से बहुत करीब है, क्रॉस कर पाया हूँ। सिटी के अंदर से अगर निकलता मैं तो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के बाद क्रॉस कर जाता मैं, लेकिन टाइम बहुत लगता। दाहोद के लिए बाईं तरफ एक रोड चली गई है, दाहोद यहाँ से 63 किलोमीटर है। पावागढ़ 47 किलोमीटर, वड़ोदरा 85 किलोमीटर, बोर्ड फट गया तो 5 अलग से चिपका दिया है। कलोल यहाँ से 30 किलोमीटर और बचा है, हालोल उसके आगे है। बोर्ड नहीं चेंज कर सकते, 5 अलग से चिपका दिया है बड़ा बड़ा। पावागढ़ 53 किलोमीटर है, कपतियम और यहाँ से 148 नेशनल हाईवे ये भी है और यहाँ से लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न बाईपास खत्म, 35 किलोमीटर सीधा है लेफ्ट टर्न मारने के बाद और राइट वाला चला गया है गोधरा सिटी को। अगर मैं सीधा सिटी के अंदर से घुस के निकलता तो यहीं पे निकलता और टाइम लगता, लेकिन किलोमीटर बहुत से बचा लेता मैं। दाएं तरफ एक रोड चला गया है खरसालिया के लिए, ये से खरसालिया जा सकते हैं और यह है वेजलपुर और वेजलपुर की
नदी बाईं तरफ है, बेदिया बाईं तरफ, हाँ कराटा दाईं तरफ। चल तो लेते हैं, लिखा तो है कार लाइन। खुला 0 charges की दानिश दाईं तरफ खड़की है, तुम बोल रहे थे ना खड़की आएगा, छोटा सा गांव है जिसके असरात रोड पे भी नजर आ रहे हैं। हम लोग कलोल पहुंच चुका हूं, ये कलोल है। कौन सी सिटी है ये? इधर से निकलो। कलोल है, कलोल। लंबा जाम है ट्रक वालों का। दानिश कहाँ पहुंचे? कलोल यहाँ से 14 किलोमीटर है। ड्राइविंग सीट का तबादला। अगर टेढ़ा निकालो ना तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। कुछ बाइक वालों को बाइक चलाना नहीं आता है, फिर भी गाड़ी मिल जाती है तो वही हिसाब है जिससे गंजे को नखून मिल जाते हैं। खुजा खुजा के लहू लुहान कर देता है वो आदमी जो गंजा है और उसको नखून मिल जाए तो। नवादिया बाईं तरफ है, नवादिया है, हालोल 7 किलोमीटर। हालोल जाने के लिए बाईं तरफ वाली रोड पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे हालोल नहीं जाना है, इसलिए मैं सीधा जाऊंगा। असल में बाईं तरफ वाली रोड सिटी के अंदर चली जाती है, हालोल सिटी के अंदर, और जो सीधी रोड है ये हालोल का बाईपास है, इसलिए मैंने बाईपास पकड़ा है। कंजरी बाईं तरफ। इस टोल का भी कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है कारवानों के लिए। सामने कैंची आ गई है, दो रोड चली गई हैं। एक रोड दाईं तरफ चली जाती है जिधर मैं जा रहा हूँ, NH 48 यानी वड़ोदरा के लिए, और वड़ोदरा यहाँ से 37 किलोमीटर है। लेकिन बाईं तरफ वाली जो सीधी रोड है वो बसका के लिए चली जाती है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बसका कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम। बड़ा खतरनाक चौराहा है। यहाँ पे एक और कैंची आ गई है, बाईं तरफ वड़ोदरा के लिए रोड चली गई है और सीधी रोड है आसोच के लिए। हाँ मौसम बड़ा ठंडा ठंडा हो गया। एक और टोल प्लाजा जो कि फ्री वाला है। अब मेन हाईवे मिलेगा वड़ोदरा वाला, तो वहाँ से टोल चार्जेस शुरू हो जाएंगे। 400 मीटर के बाद यानी वड़ोदरा का बाईपास। और वो ये रहा, बहुत ही बिजी रोड। वड़ोदरा पहुंच चुका हूं और यहां से शुरू हो जाता है वड़ोदरा का बाईपास। इस वक्त दोपहर के 1 बजने वाले हैं। जयपुर से यहां तक का हाईवे बहुत अच्छा मिला, यानी ट्रैफिक भी नहीं था।
अब जो ही मैंने यहाँ से वडोदरा का बाईपास पकड़ा है तो मुंबई तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। हालांकि 6 हाईवे है लेकिन फिर भी चांस नहीं मिलता है गाड़ी भगाने का। आजवा के लिए बाईं तरफ रोड चली गई है 15 किलोमीटर, भरूच 76 किलोमीटर है यहाँ से, और ये तो वडोदरा है, जहाँ से भी घुसेंगे 5-10 किलो तो मीटर मिलेगा ज़रूर। सूरत यहाँ से 144 किलोमीटर बचा है और वडोदरा 5 किलोमीटर है। लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मार के राइट मारना पड़ेगा क्योंकि वडोदरा राइट में है और वडोदरा का हाईवे जो इस वक्त मैं जिस दिशा में चला जा रहा हूँ वो लेफ्ट साइड में है, और जितने भी टर्न आपको मिलेंगे स्लिप टर्न मिलेंगे लेफ्ट साइड से बाहर निकलने वाले, उसके बाद ब्रिज के नीचे से राइट मारना पड़ेगा सिटी के अंदर जाने के लिए जहाँ से भी आप घुसना चाहें, क्योंकि ये पूरा बाईपास है वडोदरा का। धनियावी के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा 5 किलोमीटर के बाद मिलेगा सूरत। 144 किलोमीटर है, नहीं 137 किलोमीटर है सूरत, और वडोदरा सिटी से काफ़ी दूर निकल चुका हूँ। अब अगर वडोदरा सिटी के लिए लेफ्ट साइड से बाहर निकलना हो यहाँ से तो ब्रिज के नीचे से राइट मार के 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा अंदर, तब जाकर सिटी मिलेगी। मुंबई यहाँ से 415 किलोमीटर है और भरूच 62 किलोमीटर। हर उस चीज़ से उतना ही डरना चाहिए जितना कि उसका हक है, अल्लाह से इस तरह डरा जाए जिस तरह उसका हक है। सांप देखकर हम भागने लगते हैं तो सांप से वो डरने का वो हक है, आग से हम डर के भागते नहीं हैं लेकिन आग के ऊपर हम हाथ भी नहीं रखते क्योंकि वो आग जला देगी हमारे हाथ को, उससे डरने का वो हक है। हर किसी का अपना अपना हक है। इस रोड पर गाड़ी चलाने में डर लगता है, ख़तरनाक रोड है। रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है और बहुत ख़राब चलाते हैं लोग गाड़ी, एक पट्टी के ऊपर नहीं चलते हैं और लाइन चेंज करते हैं तो दाएं बाएं देखते नहीं हैं और हॉर्न मार के रोको तो रुकते भी नहीं हैं, इसलिए डर लगता है। डर कौन सा, जायज़ वाला डर। हर चीज़ का डरने का एक हक होता है और उस हक से ये डर जायज़ है कि एक्सीडेंट न होने पाए, इसका ये हक है। बोर पहुंच चुका हूँ, बोर जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा। सूरत यहाँ से 123 किलोमीटर है सीधा। काया वरोहन के लिए भी इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा, उसके बाद 10 किलोमीटर के बाद है। यह है गरीब देश की पहचान, जगह जगह पे आपको फटे हुए बोर्ड मिलेंगे। बहुत बिजी हाईवे है ये, वडोदरा से मुंबई तक हद से ज़्यादा बिजी है, टोल प्लाजा आ गया है। इस सफ़र में यानी जयपुर से मुंबई के सफ़र में ये नवा टोल प्लाजा है जो चार्जेबल है, जिनके कोई चार्जेस नहीं थे मैंने उनको गिनती में नहीं लिया। ऐसे भी हो सकता है कि ये 8वां टोल प्लाजा हो, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि एक 50 रुपये वाला टोल प्लाजा मिला था गुजरात में, इसलिए ये नवा टोल प्लाजा है और ये है वडोदरा टोल प्लाजा। पालेज पहुँच चुका हूँ, पालेज जाने के लिए बाईं तरफ से स्लिप टर्न मार के बाहर निकलना होगा। कोलियात के लिए भी स्लिप टर्न मार के बाहर निकलना होगा, 5 किलोमीटर के बाद मिलेगा कोलियात, लेकिन ये पालेज है। सूरत यहाँ से 95 किलोमीटर है और सूरत में मैं स्टॉप लूँगा 1.5-2 घंटे का सिटी के अंदर। नबीपुर आने वाला है, नबीपुर के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा और ये भी नबीपुर है। भरूच यहाँ से 11 किलोमीटर बचा है, यानी भरूच आने वाला है।
झनौर के लिए भी बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद मिलेगा। भरूच सिटी के अंदर जाने के लिए लेफ्ट साइड से इस हाईवे को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद 7 किलोमीटर के बाद मेन सिटी मिलेगी। वैसे भरूच शुरू हो चुका है यहीं से। सूरत 72 किलोमीटर है, मुंबई 355 किलोमीटर बचा है। ये भरूच का बाईपास है। भरूच सिटी मेरे ख्याल से दाईं तरफ है और काफ़ी बड़ी सिटी है। हाईवे से 7 किलोमीटर दूर है। सामने एक नदी है, नर्मदा नदी। उसका जो नया वाला ब्रिज है वो भी है, और मैं लेफ्ट साइड मुड़ चुका हूँ पुराना वाला ब्रिज पकड़ने के लिए, क्योंकि उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैंने पुराना वाला नर्मदा नदी का ब्रिज पकड़ा है। जो नया वाला है वो दाईं तरफ है और वो बहुत खूबसूरत है। इससे पहले मैंने दिखाया भी है वो ब्रिज। ये सिर्फ कार वालों के लिए है, ट्रक अलाउड नहीं है इस ब्रिज पे। काफ़ी चौड़ा है, यानी ब्रिज की लंबाई काफ़ी बड़ी है और नदी काफ़ी चौड़ी है इस जगह पे। और ये नदी बहुत बड़ी है। खाल घाट में भी ये नदी मिलती है। खाल घाट और खाल बुजुर्ग के पास ये पुराना वाला ब्रिज है, जिसको वन साइड में चालू करके रखा है ताकि ट्रैफिक कम हो। ये है मांडवा टोल प्लाज़ा। चार्जेस हैं 30 रुपये और ये नाजायज टोल प्लाज़ा है, क्योंकि पीछे मैं पे करके आ रहा हूँ जबकि अभी 30 किलोमीटर भी नहीं गुजरा है। तो जो लोग पीछे पे करके आ रहे हैं उनसे 30 रुपये भी लेना भी नाजायज़ है। तो इस हिसाब से ये हुआ जयपुर से मुंबई के सफ़र का 10वां टोल प्लाज़ा। ये नाजायज़ है। और आज पीपला यहाँ से 52 किलोमीटर है, लेकिन इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मारना पड़ेगा। अंकलेश्वर आने वाला है सीधा 8 किलोमीटर के बाद। सामने एक और बोर्ड आ गया है जो कि फटा हुआ है, और ये पहचान है गरीब देश की, क्योंकि अमीर देशों में इस तरह के फटे सटे बोर्ड नहीं लगे होते हैं। दोपहर के 2 बजे हैं और भूख लगी है। अब यहाँ पर रुककर दोपहर का खाना खाएंगे। ये तो हेरिटेज जैसा होटल है, सब डिजाइन वैसे ही होते हैं। 2:05 से 2:50 तक मैं यहाँ पर रुका और खाने से फारिग होकर दोबारा निकल रहा हूँ। 45 मिनट का ब्रेक था मेरा यहाँ पे। होटल आराम पेवर वेज, खाना अच्छा था, 4-स्टार रेटिंग है इसकी। ये मांडवा में है, मांडवा बुजुर्ग है। मेरे ख्याल से मांडवा सूरत में है शायद। होटल चौधरी की तो वाट लगा दी आप रोड बनाने वालों ने, उसके यहाँ कौन जाएगा आप? ये अंकलेश्वर है। इस बोर्ड को देख लो क्या हालत हो गई है। वालिया के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद 23 किलोमीटर है। सूरत यहां से 60 किलोमीटर और बचा है।
पनोली आ गया है। पनोली के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे। पलसाना यहाँ से 55 किलोमीटर सीधा है और मुंबई 331 किलोमीटर और बचा है। ये पनोली गांव था जो पीछे गुजर गया है। सूरत यहाँ से 47 किलोमीटर है। लेफ्ट साइड में एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी है इसकी पूरी डिटेल पता नहीं चल सकी। कौसंबा दाईं तरफ है, 3 किलोमीटर के अंदर मिलेगा। मंगरोल भी दाईं तरफ है, 23 किलोमीटर के अंदर है वो उसी रोड पे। मेरे ख्याल से ये है तापी नदी का ब्रिज। तापी नदी के ब्रिज के बाद टोल प्लाजा आता है और उसके बाद सूरत। मालूमात के लिए किम और मांडवी जाने के लिए लेफ्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकलना होगा। इस हाईवे को छोड़कर किम 7 किलोमीटर है, मांडवी 31 किलोमीटर। यह है इस सफर का 11वां टोल प्लाजा। चार्जेस तो लगे हैं लेकिन पता नहीं चल सका कि क्या चार्जेस लिया है इसने। मुंबई यहाँ से 296 किलोमीटर है, वापी 117 किलोमीटर है और सूरत जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं बाहर निकल रहा हूँ लेफ्ट साइड से क्योंकि मुझे सूरत जाना है। कामरेज यहाँ से 3 किलोमीटर है और मैं सूरत सिटी के अंदर जाने के लिए यहाँ से राइट मार रहा हूँ इस ब्रिज के नीचे से। यहाँ से मैंने राइट मार दिया है। नेशनल हाईवे 48 से सूरत की तरफ राइट टर्न मार रहा हूँ सूरत सिटी के अंदर। सातना कामबता 6 किलोमीटर। इस वक्त शाम को 3:45 हुए हैं यानी 4:15 बजे हैं। गूगल ने 4:30 का टाइम दिया था लेकिन 4:15 तक घर पहुंच जाऊंगा जहां मैं जा रहा हूं। बस की लाइन तो टूटी फूटी पड़ी है। सूरत एक शानदार सिटी है और यहां का मैनेजमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां की जो रोड हैं वो सिटी बस के लिए स्पेशल अलग से दिया है और गलती से एक बार पिछले टाइम पे मैं भी बस वाली रोड में घुस गया था लेकिन जब मुझे पता चला तो फौरी तौर पर मैं बाहर निकल गया उसमें से। लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग बस वाली रोड पे चलते हैं। BRTS road.
गूगल मैप यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट एड्रेस बता रहा है, ये ज़बरदस्त है। स्पीड कैमरा लगे हुए हैं इस रोड पर, लेकिन स्पीड लिमिट का कुछ पता नहीं है। लेफ्ट दिखा रहा है, यही है लेफ्ट। अब राइट है। इन 200 मीटर्स टर्न राइट टू भवानी नगर मारुति नगर मेन रोड। मोबाइल स्पीड कैमरा अहेड। टेक द नेक्स्ट राइट टू भवानी नगर मारुति नगर मेन रोड। इसी रोड पे गाड़ी पार्क के करना पड़ेगा और आगे चलो। मस्जिद के पास टर्न राइट टू गोविंद नगर चौक 3 देन टर्न राइट ऑन टू गोविंद नगर चौक 3 माल दो टन जगह है कि रुक जाओ, टन मारने से पहले झांक लो। मुझे लगता है जगह है अंदर ले लो। यही गली 4:15 पर मैं यहां पहुंचा था और 5:30 पे निकल रहा हूं 1.25 घंटे का स्टॉप लेकर। ये रेलवे कॉलोनी है मदीना मस्जिद राम चौक। पार्किंग का बड़ा टेंशन था, लेकिन मुझे मस्जिद के बाजू में बड़ी ज़बरदस्त जगह मिल गई गाड़ी खड़ी करने की, क्योंकि गूगल का कहना था कि पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। This route avoids congestion on Western Express Highway. You are on the fastest route. You should reach your destination by 11:36 PM. और जो एड्रेस मैंने डाला था वहाँ पे तो बिल्कुल पतली गली थी, वहाँ पे तो गाड़ी पार्क कर नहीं सकते थे, लेकिन 50 मीटर की दूरी पे वो गली थी और गली के कॉर्नर पे ही मुझे जाना था। मैं आया तो था दूसरे रास्ते से, लेकिन वापसी में यहाँ तक मेरी वही रास्ता थी। अब यहाँ से मैं रास्ता चेंज कर रहा हूँ जाने के लिए।
exit the roundabout onto Gudadara Main Road. कमरेज के इलाके से मैं इंटर हुआ था NH 48 को छोड़कर, जहाँ से मैंने राइट मारा था वो एरिया है कमरेज का। In 300 meters at the roundabout, take the first exit. और यहाँ से मैंने रोड चेंज किया है तो मैं आगे निकलूँगा NH 48 में, काफ़ी दूर पलसाना में। NH 53 है ये, और 5 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है सीधा, और 10 किलोमीटर के बाद पलसाना पहुंच जाऊंगा और वहां से मुझे नेशनल हाईवे 48 मिल जाएगा। वक्ताना यहां से 3 किलोमीटर है। ये मैप देख सकते हो, कमरेज से मैं दाखिल हुआ था और पलसाना में निकल रहा हूँ रास्ता चेंज करके। मदीना मस्जिद से सर्कल पे आने तक सेम रास्ता थी, उसके बाद फिर रास्ता बदल गई है। पलसाना पहुंच चुका हूं, आगे NH 48 का हाईवे दिखाई दे रहा है, उस ब्रिज के नीचे से राइट मारूंगा क्योंकि लेफ्ट तो अहमदाबाद के लिए रोड चली जाती है और उधर से ही मैं आ रहा हूं। बलतोली के लिए सीधा रोड चली जाती है NH 48 के नीचे से, यानी ब्रिज के नीचे से अगर सीधा चले जाएं तो बलतोली पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे मुंबई जाना है इसलिए मैं इस ब्रिज के नीचे से राइट मारूंगा। इस वक्त शाम को 6 बज चुके हैं। ये पलसाना है और यहाँ से मैंने राइट मार दिया है NH 48 के लिए मुंबई की तरफ। शाम को 6:05 हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने सफ़र शुरू किया था जयपुर से मुंबई के लिए, और NH 48 पकड़कर मैं जयपुर से चला आ रहा हूं, और वो हाईवे यही है NH 48।
वेस्मा पहुंच चुका हूं और उबराट के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाएं तरफ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद 27 किलोमीटर के बाद उबराट है। मुंबई यहां से 271 किलोमीटर और बचा है। जयपुर से NH-48 हाईवे पकड़कर चला रहा हूं, लेकिन यहां पर सूरत में मुझे इस हाईवे को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ा था और इसकी वजह आपको मालूम है कि मैं सूरत सिटी के अंदर गया था और वहां से अभी थोड़ी देर पहले निकला हूं और मैंने वापस पलसाना में इस हाईवे को पकड़ लिया। कमरेज में इस हाईवे को छोड़ा था और कमरेज और पलसाना के बीच में इस हाईवे का काफ़ी डिस्टेंस है। थोला पीपला पहुंच चुका हूं और अमरी के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा। 4 किलोमीटर के बाद अमरी मिलेगी या मिलेगा, अमरी गांव है और वह भी यहां से 86 किलोमीटर है, 86 किलोमीटर। बरडोली के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाएं तरफ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद फिर लेफ्ट है या राइट है मुझे नहीं पता, लेकिन 30 किलोमीटर के बाद बरडोली मिलेगा। और नवसारी के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, 5 किलोमीटर है कि 50 किलोमीटर, क्योंकि 5.0 दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। मुंबई 260 किलोमीटर और बचा है। ये है बोरिया टोल प्लाज़ा, चार्जेस हैं 65 रुपये, इस सफ़र का 12वां टोल प्लाज़ा। यानी जयपुर से जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो वहाँ से मैंने टोल प्लाज़ा गिनना शुरू किया हूँ, तो अब तक मुझे 12 टोल प्लाज़ा मिले हैं इसको मिला के, इस हिसाब से ये है 12वां टोल प्लाज़ा। साए लंबे तर होते चले जा रहे हैं, अब तो इतने लंबे साए हो गए हैं हर चीज़ के कि उनको देखना भी बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं, और सनसेट ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो सूरज की टिकिया भी नज़र आना बंद हो गई है, कहीं कहीं पे नज़र आ जाती है बहुत ही नीचे, क्योंकि इस वक्त 6:30 हुए हैं और सनसेट 7 से कुछ मिनट पहले, या यहाँ के बारे में नहीं बता सकता हूँ, शायद 7:45 सनसेट हो जाए, यानी 15 मिनट तो कंफर्म बाकी हैं अभी, या 10 मिनट बाकी होंगे। सापुतारा और गन देवी के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से सिलिप्टन है। सापुतारा यहाँ से 107 किलोमीटर के बाद मिलेगा दूसरी रोड पे। इसी तरह गंदेवी 10 किलोमीटर के बाद है, इस हाईवे को छोड़ने के बाद राइट मारना है या लेफ्ट मारना है मुझे नहीं पता, लेकिन सीधा तो नहीं है, सीधा होता तो इस हाईवे को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुंबई यहाँ से 254 किलोमीटर है और जगह जगह पे राइट में बोर्ड लगे हुए हैं लाइन बताने के लिए, दिशा निर्देश है कि कौन सी लाइन में कौन सी गाड़ी होना चाहिए, जिसमें से राइट में फर्स्ट वाली लाइन कार और जीप के लिए दिया हुआ है, बाकायदा उसमें फ़ोटो बनी हुई है कार की, और दूसरे और तीसरी लाइन में ट्रक और बस का निशान दिया हुआ है कि वो चल सकते हैं या चलना चाहिए उनको। फर्स्ट लाइन में हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस सफ़र में देख सकते हैं कि कुछ ट्रक वाले कार वाली लाइन में चलते हैं और उस लाइन से हटते नहीं हैं, चाहे पीछे से कितना भी हॉर्न दो लेकिन वो अपनी जगह से हटेंगे नहीं, लेकिन बहुत कम ट्रक वाले आपको पहली लाइन में मिलेंगे यानी कार वाली लाइन में, लेकिन मिलते ज़रूर हैं, और कार वालों को तो तीनों लाइन में अलाउड है। अब ओवरटेकिंग के लिए तो फिर हैवी व्हीकल भी किसी भी लाइन में आ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं चल सकते जैसे कि ये चल रहा है। लेफ्ट साइड से ओवरटेक अलाउड नहीं है, लेकिन मुसीबत है,
ट्रक फर्स्ट लाइन से हटने को तैयार नहीं है। गंदे भी अभी भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ से दूर पड़ेगा, यानी पीछे जो स्लिप टर्न दिया था लेफ्ट साइड में वहाँ से 10 किलोमीटर था और अभी भी इतना ही पड़ेगा, 9 किलोमीटर तो मिलेगा गंदे भी यहाँ से अगर स्लिप टर्न मार के लेफ्ट साइड से बाहर निकल गए तो। यह कि लेफ्ट साइड से बाहर निकल जाते पीछे जो रोड चली गई है सर्विस रोड, तो चिखली के लिए आपको एक रोड मिल जाती वहाँ से जो कि 3 किलोमीटर के बाद मिलेगा। हालांकि ये एरिया भी चिखली का है, जो रोड पर आबादी नज़र आ रही है ये चिखली है। मुंबई 237 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे लगता है सनसेट हो चुका है, यहाँ जल्दी होता है सनसेट। चिखली पहुँच चुका हूँ, यही है चिखली, काफ़ी घनी आबादी है, कोई कस्बा लगता है मुझे, काफ़ी बड़ा कस्बा है। इस ब्रिज के नीचे भी है, इस ब्रिज के पीछे भी है और रोड पे है, क्योंकि चिखली यहाँ पे 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। सनसेट हो चुका है काफ़ी पहले और रात बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली आ रही है, अंधेरा होने लगा है, लेकिन अंधेरा होने में भी आधा घंटा तो लगता है, यानी पूरी तरह अंधेरा होने में आधा घंटा लग जाता है। आज के सफ़र में जो कि मुंबई से जयपुर का सफ़र जारी है, लेकिन जो आज सुबह मैंने सफ़र शुरू किया था वो था उदयपुर से, और उदयपुर से जब मैंने सफ़र शुरू किया तो मैंने बहुत कम ब्रेक लिया है। पहला ब्रेक मेरा था 9 से 10 तक का, 40 मिनट का ब्रेक नाश्ता करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने 2 बजे ब्रेक लिया लंच के लिए, बीच में कोई स्टॉप नहीं। और तीसरा ब्रेक मुझे लेना नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे सूरत जाना था वहाँ पे 1.5 घंटा रुकना था, इसलिए उसको तो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको गिनती में मत लो। अब एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा चाय के लिए, ये ज़रूरी है। वलसाड जाने के लिए लेफ़्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकलना होगा और फिर वहाँ से 8 किलोमीटर मिलेगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि 08 लिखा हुआ है, तो ये तो दुरुस्त है, डॉट तो गलत है ना। पहले 0 लिखा है फिर 8 लिखा हुआ है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ 8 किलोमीटर है। तो वलसाड 8 किलोमीटर है यहाँ से, और वापी अगर सीधा जाएंगे तो 37 किलोमीटर के बाद मिलेगा, और मनोर 115 किलोमीटर है यहाँ से। गुडलाव आ चुका है, गुडलाव का बोर्ड आप देख सकते हैं 0 किलोमीटर लिखा हुआ है, और वलसाड यहाँ से 5 किलोमीटर है। मुंबई 212 किलोमीटर बचा है, अभी पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। वलसाड पीछे गुजर चुका है लेकिन अभी भी जा सकते हैं, ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ेगा। लेफ्ट साइड से बाहर निकलकर फिर कोई रोड गई है उधर जा सकते हैं। मनोर यहाँ से 103 किलोमीटर बचा है। विरार 136 किलोमीटर है। परदी यहाँ से 4 किलोमीटर है। वापी यहाँ से 21 किलोमीटर है, और ये है अतुल। अतुल सिटी पहुँच चुका हूँ, काफ़ी बड़ी सिटी है। डिस्ट्रिक्ट है या कि कस्बा है मुझे नहीं पता, लेकिन अतुल जानता हूँ मैं कि अतुल एक बड़ी आबादी वाला शहर है। Keep right to steal National Highway 48.
मुंबई यहाँ से 200 किलोमीटर बचा है अभी। नासिक भी जा सकते हैं बाईं तरफ से बाहर निकलकर, 130 किलोमीटर के बाद मिलेगा। और ये है पारडी, कहीं कहीं पर मैंने पारडी कह दिया है इंग्लिश में देख कर। पारडी पहुंच चुका हूँ, सुखला 3 किलोमीटर है यहाँ से और वापी 16 किलोमीटर। पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, रिजर्वे में गाड़ी आ गई है, पीली लाइट जल चुकी है और अब पेट्रोल पंप की तलाश है। और अभी गुजरात में हूँ इसलिए 94 में पेट्रोल मिल जाएगा मुझे और मैं टैंक फुल करा लूँगा, क्योंकि मुंबई में 106 रुपये कुछ पैसे में है, महंगा है। पेट्रोल पंप लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है, वैसे चाय के लिए भी रुकना था लेकिन पहले पेट्रोल भरवाऊँगा उसके बाद फिर चाय की होटल तलाश करूँगा। और ये है पेट्रोल पंप, और यहीं पे मुझे नज़र आ गया है पेट्रोल होटल। पेट्रोल पंप के बाजू में है, यहाँ पे गाड़ी को पार्क करके फिर चाय की होटल में गाड़ी लगाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे फ्रेश हो लेता हूँ। 7:15 पर पहुँचा हूँ यहाँ पे, और फ्रेश होने के बाद 7:30 हुए हैं। रात का टाइम है, कांच वगैरह और लाइट वगैरह को क्लीन करके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 5 मिनट लगे क्लीन करने में, और बाजू में होटल है तो होटल में गाड़ी लगा कर फिर यहाँ पर रुक के चाय पीता हूँ। तो रात को ऐसे हो जाता है? नहीं, वो सिटी लाइट लगा हुआ है। अच्छा, रेंट लो और वाद का एरिया है ये, जहाँ पर मैंने बैठकर चाय पिया था। ढाबे का नाम शायद समरिया था, इसकी चाय बड़ी गजब की थी, बहुत अच्छी चाय बनाया था इसने, बल्कि थर्मस में बनी हुई रखी थी और फुल गर्म थी और फुल स्टोन। ये भगवाड़ा टोल प्लाज़ा, भगवाड़ा टोल प्लाज़ा, चार्जेस हैं 75 रुपये। और इस सफ़र का ये है 13वां टोल प्लाज़ा। टाइम हुआ है रात को 7:50, 8:10 बाकी हैं। वापी पहुंच चुका हूं, और ये है वापी। अभी गुजरात में हूं लेकिन बहुत जल्द महाराष्ट्र में दाखिल होने वाला हूं। महाराष्ट्र में दाखिल हो चुका हूं, क्योंकि ये अच्छाद है और अच्छाद महाराष्ट्र में है। हालांकि दाईं तरफ गुजरात है और बाईं तरफ गुजरात है, यानी 8-10 किलोमीटर बाईं तरफ गुजरात है और 8-10 किलोमीटर दाईं तरफ गुजरात है। दाईं तरफ 8-10 किलोमीटर दूर, इसी तरह बाईं तरफ। बड़ा अजीब नक्शा है ये, रोड जो है ये महाराष्ट्र में है और मैं इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा हूँ, और गुजरात का बॉर्डर तो मुझे दिखाई नहीं दिया चेक पोस्ट है, लेकिन महाराष्ट्र का चेक पोस्ट आने वाला है। ये रहा महाराष्ट्र का बॉर्डर, बॉर्डर तो पीछे निकल गए, यानी काफ़ी देर से महाराष्ट्र में चल रहा हूँ, लेकिन ये है चेक पोस्ट है, महाराष्ट्र की चेक पोस्ट। और सरहद ख़त्म होते ही अच्छाद आ जाता है, और अच्छाद महाराष्ट्र में है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये है चरोटी टोल प्लाज़ा, चरोटी टोल प्लाज़ा, चार्जेस हैं 65 रुपये। और इस सफ़र का ये है 14वां टोल प्लाज़ा। यहाँ से बोईसर 15 किलोमीटर बचा है और वरई 43 किलोमीटर, और ये है मनोर। मनोर पहुँच चुका हूँ।
इसके आगे का डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मुख्तसर बता दूं कि 10 बजे मैं सनाया ढाबा पहुंच गया था जो कि मीरा भाईंदर में है, और सनाया ढाबा से मैं निकला था 11:30 बजे और 12:30 बजे मैं अपने घर पहुंच गया था चेंबूर। ये है इस सफ़र की मुख्तसर डिटेल, क्योंकि सनाया ढाबे में मेरा स्टाप 1.5 घंटे का था, 10 बजे से 11:30 बजे तक, और यहाँ से थोड़ी दूर का रास्ता है सनाया ढाबा।